प्रदेश भर में विभिन्न अध्यापक संघों की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में पूर्व प्रधानाचार्य सुरजीत ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें 8 अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली वरिष्ठता से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू न करने पर रोष प्रकट किया गया। इस संदर्भ में जिलाधीश हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सरकार से मांग की गई कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व सैनिकों से संबंधित निर्णय को यथाशीघ्र लागू किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 अगस्त 2017 को हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को सेना के सेवाकाल की सिविल सर्विस में जो वरिष्ठता नियम के अधीन दी जाती है उसे असंवैधानिक करार दिया है। इसीलिए सरकार से सभी संगठनों ने पुरजोर मांग की है कि पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली यह वरिष्ठता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए, क्योंकि जिस नियम के आधार पर यह वरिष्ठता प्रदान की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय ने उसे ही असंवैधानिक ठहराया हुआ है। यह वरिष्ठता सूची फिर से निर्धारित की जाए। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि विभिन्न अध्यापक संगठन अपने अपने जिले में सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन देंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो विभिन्न अध्यापक संगठन एक मंच पर राज्य भर में एकत्रित होकर प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि वरिष्ठता की यह लड़ाई विभिन्न अध्यापक संघों ने लगभग 25 सालों से न्यायालय में लड़ी है। 25 सालों के बाद जो न्याय मिला है जिसे सरकार और लंबा कर रही है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रधानाचार्य एवं निरीक्षण सवर्ग हेडमास्टर ऑफिसर एसोसिएशन, प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ, पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ, प्राथमिक अध्यापक संघ, हिमाचल प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें सुरजीत ठाकुर पूर्व प्रिंसिपल प्रधानाचार्य पीसी वर्मा, करतार चंद पटियाल, विजय गौतम सहित 150 से अधिक अध्यापकों ने भाग लिया। एक हमारा फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया था, हाई कोर्ट का फैसला था। एक्सिस मैन की सीनियोरिटी जो है, जो उनकी नियुक्ति की शर्त होता है वो सिविल सर्विस में जोड़ दी जाती थी, वो कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है। तो हमारी जो बात है कि ये जो रूल जो है, रूल यूटिलाइज आर्म फोर्स एक्ट 5(1) के तहत इनको सीनियोरिटी मिलती थी, वो कोर्ट ने असंवैधानिक डिक्लेयर कर दी है। जब असंवैधानिक डिक्लेयर कर दी है तो सीनियोरिटी जो है कभी भी एक्सेसमैन को दी गई, किसी को भी दी गई, वो असंवैधानिक है। और सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारी सीनियोरिटी जो है वो जैसे पहले डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर होती थी उसी ढंग से दोबारा रीफ्रेम की जाए, चाहे एक्सेस मैन जो है वो किसी भी डेट में उस सीनियोरिटी में इंक्लूड किया गया है उसको निकाला जाए। और इतने सालों से जो कोर्ट में लड़ रहे थे और एक हमारे हक में जो फैसला आया है, और इससे 85% कर्मचारी जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, उनको जो प्रमोशन मिली थी वो नहीं मिली है। तो इस सीनियोरिटी को दोबारा फिक्स करके हमें न्याय जो है वो हमें दिया जाए, ताकि जो हमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई।